बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। नया वो हार कहाँ है? बाबा, वो हार गुम हो गया। लगता है जब वो लोग हमें लेकर जा रहे थे तो वो हार वहीं गिर गया। ऐसे कैसे गुम हो गया वो? ये कहाँ जा रहे हैं मार्किन? कारागोया जा रहे हैं अर्तुरुल सरदार। अंधेरा होने वाला है, ये रास्ते में पड़ाव डालेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग भी इनके करीब ही रुकेंगे। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो हमारे लिए कितना आम है। ढूंढ कर लाओ उसे। मैं खुद जाके उसे तलाश करता हूँ। या तेवकलिस को तलाश करो या फिर बड़ी मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। गलती एक हुई है मुझसे, मगर पछतावे हजार हैं। पहले भी कई गलतियां हुई मुझसे, बाबा ने हर बार माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने पहली बार मारा। उन जासूसों तक पहुंचने से पहले वो संदूक हमें हासिल करना है। भरपूर हमला करेंगे उन पर और हमारा ये हमला चारों अतराफ से होगा। गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आपका हुक्म भाई। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे और इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। जब अताज सरदार और उसके अफसरान मारे जाएंगे तो वो अर्तुरुल को जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ महाज खोल देंगे, यहां तक कि उमूर सरदार और उसकी बेटी भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम ये संदूक हलाकू खान तक पहुंचा देंगे। ठीक है कमांडर बोर्चिगन। तैयार है ना सब कुछ? जी जनाब, सब कुछ तैयार है। हमला हुआ है, बचाओ खुद को। सिपाहियों बचाओ खुद को। संदूक हलाकू खान तक ले जाओ जल्दी। आप जाइए, मैं इन्हें रोकता हूं। चले तुम लोग, हम पर हमला करने की जुर्रत कैसे की? अर्तुरुल, तो तुम हो। मैं तुम्हें महल में भी मार सकता था, मगर वहां बेगुनाहों को कीमत चुकाना पड़ती।
गलती हो गई मुझसे। महल में ही तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए थी मुझे। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो याद रखना, तुम्हारा कबीला और तुम्हारा खानदान इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। और अर्तुरुल, हमारे तीन बेगुनाह सरदारों का इंतकाम कर्ज है मुझ पर। उनके खून का किसास तुम्हें अपनी जान देकर अदा करना होगा। अल्लाह का शुक्र है, हम संदूक हासिल करने में कामयाब हो गए भाई। कुंजी नहीं है संदूक की, की तादाद बहुत ज्यादा थी। हमारे सारे सिपाही मार डाले उन्होंने, वो संदूक भी अपने साथ ले गए। अब हम क्या करेंगे? उसकी चाबी मेरे पास है। अगर इसके बगैर उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस चाबी को हासिल करने के लिए वो हमारे पीछे आएंगे, उस वक्त हम उनसे निमट लेंगे और उन्हें अंजाम तक पहुंचा देंगे। अब हमें फौरन अमीर बाउद्दीन तक पहुंचना है। तो फिर कहाँ है कुंजी? क्या इसे खोलने का कोई और तरीका नहीं है? इसकी कुंजी उन दो जासूसों के पास होगी। इसमें बहुत अहम दस्तावेजात हैं बबसी। अगर इसे कुंजी के बगैर खोलने की कोशिश की तो नुकसान पहुंच सकता है दस्तावेजात को। मामूली सा मकतूब भी बहुत खास है। तुर्गुत, मार्गिन, जाओ उन जासूसों का पीछा करो। वो इस मामले की खबर देने जरूर अमीर बहाउद्दीन की तरफ जाएंगे। अगर खबर उन तक पहुंच गई तो उमरुल्लार और महसूल का मामला बिगड़ जाएगा। कुंजी वापस लिए बिना मत लौटना तुर्गुत। हम कुंजी हासिल करके रहेंगे। सिर्फ कुंजी हासिल करना काफी नहीं है, ये भी मालूम करना होगा कि दरपर्दा इस मामले में कौन कौन मुलव्वस है। आप बेफिक्र हो जाए भाई, अब सब गौर से सुने मेरी बात। उस्मान, या अल्लाह, लगता है शिकार के लिए रवाना हो गया। मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे बाबा जरूर ठीक हो जाएंगे। देखती हूँ अब तबीयत कैसी है इनकी। दवा पिलाई थी आपने? जी, वक्त पर दे दी थी।
मुझे बताएं मेरे पापा कब ठीक होंगे। जल्द ठीक हो जाएंगे बेटा, इसे समझाएं कि हौसला रखे। खूबसूरत लग रही हैं आप। तुम यहीं रुक कर इंतजार करो, अगर कोई आए तो खबर कर देना। गुंदूस, इरन, जब तुमने कहा मुझे पसंद करते हो तब मैं नहीं कह सकी मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। मैं कब से तुम्हारा जवाब सुनने के लिए बेकरार था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। इरन, क्या हुआ, तुम उदास हो क्या? मैं अक्सर खुद से सवाल करती हूँ कि हमारा ये एहसास कहीं वक्ती तो नहीं है, जैसे कोई बीमारी हो जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा गुंदूस? इरन, अगर तुम्हें लगता है कि वाकई ये एक बीमारी है तो मैं कभी शिफायाब नहीं होना चाहूंगा। इस बुखार में चलता रहूंगा और मेरा वादा है जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता रहूंगा। इरन, बाबा के सिपाही आ गए, मुझे वापस किले जाना होगा गुंदूस।
मिल गया हार मुझे। उस्मान, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? उस्मान, शिकार पे आने से मना किया था ना, चलो वापस। अभी मैंने अभी एक परिंदा देखा है भाई, मेरा तीर का मान भी तैयार है, आप भी आइए ना। उस्मान, सख्ती से मना किया था बाबा ने तुम्हें, अब जिद मत करो, चलो यहाँ से। मैं एक बहादुर मुजाहिद बनना चाहता हूँ भाई, और एक बहादुर मुजाहिद को एक अच्छा शिकारी भी होना चाहिए। इस शिकार से सब जान जाएंगे कि कितना बहादुर हूँ मैं। उस्मान, बात को समझो, यहाँ सबसे छुप कर आया हूँ मैं, और अगर दादी जान को पता चला कि हम दोनों गायब हैं तो बहुत परेशान होंगी। आप जाइए, मैं आ जाऊंगा भाई। उस्मान, उस्मान रुको, आप जाइए। उस्मान, रुक जाओ सिपाहियों, हमला हुआ है, सब खुद को बचाओ। हमला करो सिपाहियों, कौन हो तुम, अपना चेहरा दिखाओ, क्या चाहते हो हमसे? तुम्हारी मौत, पहले भी कहा था कि हमारे इलाके से दूर रहना, नापाक मंगोलों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। अब मैं समझा कि तुम लोग कौन हो आखिर। ये आवाजें कैसी हैं? भाई जल्दी चलो यहाँ से, मुझे खतरे की बू आ रही है, बाबा ने मना भी किया था। उस तरफ से आ रही है ये आवाजें। उस्मान, वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमें निकलना होगा यहाँ से। अगर वो हमारे सिपाही हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए भाई, छोड़े मुझे। ये तो बिलगे खातून के सिपाही हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए भाई। रुक जाओ उस्मान, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Oh!
बहुत खूब, आओ अब चलकर बाजार में अफरा तफरी देखते हैं। लईस, तुम किले वापस जाओ। उस्मान, इससे पहले वो लोग हमें देखे, हमें यहां से निकलना चाहिए। उस तरफ कोई है, जल्दी पकड़ो ने। उस्मान भाई भागे। जल्दी चलो उस्मान। वो बच्चे कहाँ गए? वो उस तरफ गए हैं। पकड़ो उन्हें सिपाहियों। अंदर आ सकती हूँ वालिदा? हाँ जाओ बेटी। सब खैरियत तो है वालिदा, क्या बात है? बेटी, उस्मान और साहब जी बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए हैं। असलहान, आईपर्स, क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? उन्हें कहीं देखा तुम दोनों ने? मुझे नहीं पता दादी। मैंने भी नहीं देखा दादी, ना ही कुछ बताया मुझे। या अल्लाह, कहाँ चले गए हैं? मैं मुहाफिजों को खबर करती हूँ वालिदा, वो तलाश कर लेंगे। परेशान मत हो, आए बैठे हैं। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम जाकर सिपाहियों को खबर कर दो, देर ना करो। जी ठीक है, दरवाजा खोलो। बचकर भाग रहे थे हमसे, अब कहां जाओगे? छोड़ दो मेरे भाई को, मैंने कहा छोड़ो इसे। हथियार फेंक दो अपने, वरना तुम्हारे भाई को मार दूंगा। हथियार फेंक दो बच्चे, शाबाश, वरना ये जान से जाएगा। यही वक्त है, रवाना होने से पहले इन पर हमला कर दो। हमें इनसे सिर्फ कुंजी नहीं लेनी, तफ्तीश भी करनी है। इन मलूनों से बहुत सी मालूमात हासिल करनी है।
ध्यान रखना सिपाहियों, इन दोनों को हमें जिंदा पकड़ना है, मरने नहीं चाहिए। तैयार हो सिपाहियों? तैयार है भाई। भूलना नहीं, हम मुकम्मल एहतियात से हमला करेंगे, ना ये ज्यादा जख्मी हो और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सके। चारों तरफ से हमला करेंगे। चलो। मुझे बाजार से बाबा के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेनी है। जी ठीक है अलबिल के खातून। अरे ये कौन आ रहा है? ये तो कोई जख्मी लगता है बेचारा। अरे इसे क्या हो गया? जख्मी सवार आ रहा है, मदद करते हैं बेचारे। अताज साहब, अताज साहब, ये तो अताज साहब है। या अल्लाह ये क्या हो गया? किसने मारा? जख्मी कैसे हो गए? किसने मारा इनको तीर? अताज साहब, अताज साहब, अताज साहब, कुछ बताइए ये सब कैसे हुआ? सिपाही कहाँ हैं? हम पर अचानक हमला हो गया और हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। वो लोग कह रहे थे नापाक बंगालों के लिए हमारी जमीन पर जगह नहीं और ना ही अमूर और लारी वालों के लिए। ना तो अपने कबीले से और ना ही किसी और जगह से। अर्तुरुल सरदार के आने से पहले तुम्हें महसूल वसूल करने दूंगा मैं। सही वक्त आने पर तुमसे तुम्हारे झूठ की कीमत निकलवा के रहूंगा मैं। क्या हुआ इन्हें? किसी ने हमला किया है इन पर। इन्हें फौरन अंदर ले चलें। इस तीर को जल्द से जल्द निकालना होगा हमें। हिम्मत करें आताश साहब, हिम्मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं होगा आपको। खैरियत तो है, क्या हुआ अर्तुक साहब? ये तुर्कों का तीर है। यार फेंक दो अपने, वरना ये मारा जाएगा। भाई आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो उस्मान जल्दी चलो। ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया? क्या कह रही हैं आप खातून? क्या हुआ इन्हें? ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। इन पर और इनके सिपाहियों पर हमला क्यों किया तुमने? हद में रहिए खातून, मैं क्यों हमला करूंगा इन पर? मुझे तो मालूम ही नहीं कि हुआ क्या है। जब हम पहली बार कबीले आए थे तो तुमने कहा था हमें दूसरे गांव नहीं जाने दोगे, धमकी दी थी हमें।
इन पर जिन्होंने हमला किया वो मंगोल और उमूर और लारी वालों को इस खत्ते में नहीं देखना चाहते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस तुर्क तीर को देखो। अब बताओ मुझे कहां से आ रहे हो तुम? मैं जहां मर्जी जाऊं, तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली? तुम्हारा घोड़ा भी थका हुआ है, मतलब लंबा सफर था। तुम्हें मुझे बताना होगा कहां से आ रहे हो, बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना, मेरा इस वाक्य से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है खातून। गुंदूस, इल्बिलगे खातून, आप दोनों पुरसुकून हो जाएं। आपका यह इल्जाम बेबुनियाद है, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। इन पर हमला तुमने किया है, तुम नहीं चाहते थे हम दीगर इलाकों की जानिब सफर करें। अब सबके सामने कबूल करोगे, तुम कबूल करोगे कि यह हमला तुमने किया है, वरना मैं तुम्हें सबके सामने जान से मार दूं। बस बहुत हो गया। सिपाहियों, रुक जाओ। खातून पर हाथ उठाने की गलती ना हो। ये खातून मुझ पर बहतान लगा रही है बाबा। ये उमरुल्लार कबीले से है, इसने आपसे झूठ कहा था। आपकी गैर मौजूदगी में इसने कबीले पर हमला किया। उमरुल्लार, मुझे तफसील से बताओ यहां क्या होता रहा है। आर्तुक भाई, जख्मी को लेकर जाएं और मदद करें। तुम मेरे साथ आओ कुंदुस। आप भी खातून।
जिंदा है ये, हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना, इसे ले जाओ। कुछ सिपाही मेरे साथ चलो, कुछ इस तरफ जाओ और कुछ उस तरफ, उन्हें तलाश करके मार दो। दुमरुल, गुंदुस और चारी को जिंदान में डाल दो। भाई आंखें खोले अपनी, भाई ये सोचिएगा भी नहीं कि आप अपने बेटे को बचा लेंगे। इस मामले की तहकीकात में रुकावट नहीं डालिएगा। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे गुंदुस सरदार। मशवरा नहीं मांगा तुमसे। कमांडर बोर्चिगिन, मैं इस इलाके में हलाकू खान का जासूस हूं, इनके और साथी आते होंगे, निकलना होगा हमें। उस्मान साहब जी, अर्तुरुल सरदार को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी मैं।